भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के बाद अब टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है। पहला मुकाबला रांची के मैदान पर खेला गया, जहां भारतीय टीम को 21 रन से हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि टीम इंडिया को पहली बार रांची के मैदान पर हार का सामना करना पड़ा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में उतरी भारतीय टीम इस मुकाबले में बल्लेबाजी में फेल हुई और टीम इंडिया इस मुकाबले में पिछड़ गई। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 176 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। न्यूजीलैंड के लिए जहां विकेटकीपर बल्लेबाज डेविन कॉनवे और साथ ही डेरिन मिचेल ने अर्धशतकीय पारी खेली, तो टीम के अन्य बल्लेबाजों ने भी सहयोग करते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। वहीं भारत के लिए गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने आखिरी ओवर में 27 रन लुटाए, जिसकी बदौलत टीम का स्कोर काफी बड़ा दिखाई दिया। बहरहाल टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। लगातार विकेट खोने के बाद टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने टीम को मजबूती देने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ हुई साझेदारी की बदौलत भी सूर्या टीम को जीत नहीं दिला पाए। अंत में वॉशिंगटन सुंदर ने भी अर्धशतक लगाया। अपने पहले टी20 अर्धशतक के बावजूद वह टीम को जीत नहीं दिला सके। बात करें अगर भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबले की, तो कप्तान हार्दिक पांड्या ने इसके बाद हार को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि रांची की पिच कैसे रिएक्ट करेगी, कैसा खेल दिखाएगी, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। यहाँ स्पिन गेंदबाजी किस तरीके से टर्न लेगी, कैसे स्विंग होगी गेंद, ये हमें मालूम नहीं था और हम हार को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने अर्शदीप सिंह को लेकर भी कहा कि हमने शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 से 30 रन ज्यादा लुटा दिए, इस वजह से हम इस मुकाबले में पिछड़ गए। वहीं उन्होंने बल्लेबाजी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि जब तक सूर्य कुमार हमारे लिए बल्लेबाजी कर रहे थे, हमें लगा कि हम मुकाबले को खींच लेंगे और मुकाबला अपने नाम कर लेंगे। मैंने सूर्य के साथ साझेदारी करने की भी कोशिश की, लेकिन जब सूर्य और मेरा विकेट गिरा तब हमें मुकाबले में लगा कि हम पिछड़ गए हैं। लेकिन सुंदर की मैं तारीफ करूंगा कि अंत में आकर वॉशिंगटन सुंदर ने खेल दिखाया। उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी से भी 2 विकेट चटकाए, अर्धशतक भी लगाया, वो वाकई कमाल था। मुझे लगा कि ये भारत वर्सेस न्यूजीलैंड नहीं, वॉशिंगटन सुंदर वर्सेस न्यूजीलैंड है। सुंदर इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो भारतीय टीम के लिए ये काफ़ी अच्छे साइंस होंगे। बहरहाल आगे हार्दिक पांड्या ने कहा कि अब हमारे लिए अगले मैच में नई रणनीति के साथ उतरना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पिच और साथ ही टीम के कॉम्बिनेशन को बनाना होगा। बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अगला मुकाबला लखनऊ के मैदान पर खेला जाएगा। भारत के लिए यह मुकाबला जीतना काफी ज्यादा जरूरी होगा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया को एक भी सीरीज में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। ऐसे में भारतीय टीम चाहेगी कि दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज को बराबर और तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज को अपने नाम किया जाए। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।